व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 7? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 7? इसमें 7 कहीं आ रहा है क्या? नहीं। तो क्या कहलाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब चलिए बच्चे, तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ में स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट और इक्वल लाइकली इवेंट्स। तो कुछ टर्म्स पर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जानते हैं चैप्टर का कंसेप्ट क्या है। जैसे सब लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग अगर डे टू डे लाइफ में हम बात करें तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हर चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग मेजर करते हैं। अगर हम लोग फिजिक्स मैथ की बात करें तो मैथ हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को मेजरमेंट करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा संभावना, ठीक है, हम लोग चाहते हैं ऐसा संभावना जो जिसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसको हम लोग श्योर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिक्के को उछाला जाए, एक टॉस किया जाए, तो क्या हम लोग वहाँ पर श्योर है कि हेड आएगा कि टेल आएगा? वहाँ पर हम लोग श्योर नहीं कि हेड आएगा टेल आएगा। तो हम ये चाहते हैं मेजर करना कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है या टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। इसका मतलब क्या होता है? संभावना। तो जो भी ऐसा घटना, जो भी ऐसी इवेंट जिसका हम लोग श्योर नहीं होते हैं, उसके होने की चांसेस कितनी है, तो उस चीज़ को भी चाहते हैं हम लोग मेजर करना। और ऐसे चीज़ को बिलोंग करता है किस चीज़ में? प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि हम लोग कोई भी घटना होने की कितनी चांसेस है, उस घटना के होने की चांसेस कितनी है, उसको जो मेजरमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का डिफाइन क्या लिखा हुआ कि प्रोबेबिलिटी इज ए कंसेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट्स। ऑकरेंस ऑफ द इवेंट। अब इवेंट क्या है? इवेंट का हमारा लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल द या सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एंड इवेंट। जैसे मान लो हमने एक सिक्का उछाला, तो सिक्का उछाला तो उसमें क्या है, हमें पता या तो हेड आया या तो क्या आएगा टेल। तो क्या कहलाता है? पॉसिबल आउटकम्स। क्या कहलाता है? मतलब उसके आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। तो उन सभी पॉसिबल आउटकम का जो कलेक्शन होगा, डैट इज कॉल्ड इवेंट। अब क्या जो भी इवेंट के जो ऑकरेंस होने का जो सर्टनिटी है, उसकी डिग्री का मेजरमेंट, मतलब वो कितना आ सकता है, उसके आने के चांसेस कितनी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि आज वर्षा होगी, तो हम लोग श्योर नहीं है कि वर्षा आज होगी या नहीं होगी। जब भी हम लोग अनश्योर कहीं भी, तो वहाँ पे केस किस चीज़ का है, वो है प्रोबेबिलिटी का केस है। फॉर एग्जांपल मतलब दो स्ट्रॉन्ग टीम मैच खेल रही है, क्रिकेट या फुटबॉल या जो भी स्पोर्ट्स खेल रही हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या होते हैं, श्योर होते हैं क्या? हाँ, मान लो एक टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो कहते हैं इंडिया जीतेगी, नहीं, अगर दूसरे टीम का है तो उसका सपोर्ट उसको कहेगा। लेकिन क्या हम लोग श्योर रहते हैं दो स्ट्रॉन्ग टीम हो तो? हाँ, एक विश्वास लेके चलते हैं कि हाँ ये इंडिया टीम जीतेगी। लेकिन क्या ऐसा होता है कि हर बार इंडिया जीत जाती है? नहीं। वहाँ भी क्या होता है, मैच के कंडीशन के हिसाब से वो उस जो परसेंटेज है वो हमेशा बदलता रहता है। लेकिन मान लो एक स्ट्रॉन्ग टीम है, एक क्या है वीक टीम है, वहाँ भी श्योर नहीं होते हैं। वहाँ भी जैसे अभी कुछ दिन पहले मैच हुआ था वेस्ट इंडीज़ के साथ हुआ था ना, तो पांच टी ट्वेंटी हुआ, जिसमें दो टी ट्वेंटी है वो वेस्ट इंडीज़ जीत गया, और फिर लास्ट का दो इंडिया जीता और लास्ट का फिर वेस्ट इंडीज़ जीत गया। जबकि वेस्ट इंडीज़ टीम क्या है, अगर इंडिया से कंपेयर देखा जाए तो थोड़ा सा वीक है, लेकिन क्या हुआ वो T20 सीरीज जीत गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या श्योर नहीं है, जैसे T20 मैच वहाँ पे श्योर नहीं कि कौन सा टीम जीत सकेगा, क्योंकि एक कमज़ोर टीम भी अच्छा खेल सकता है और अच्छा टीम भी कमज़ोर खेल सकता है। ठीक है, वहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सा आज अच्छा खेलेगा। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या समझना है कि आपको कोई भी चीज़, जो भी इवेंट हो रहा है उसके होने की कितनी सर्टेनिटी है, उसको हम जो मेजरमेंट करते हैं, नहीं, उस सर्टेनिटी होने की मेजरमेंट को कहते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्लियर यहाँ तक है? जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे दो सिक्के को उछाला जाए, ऐसे बहुत सारे इवेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग टू कॉइंस, नहीं, ड्राइंग एक रैंडम कार्ड फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, आपका बहुत सारा, जैसे आपका बहुत सारा मान लो कि बैग में बॉल्स रखा हुआ, वहाँ से कुछ ड्रॉ कर रहे हो, तो ये सभी क्या हमारे ऑल आर द केसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आप लोग समझ गए। नेक्स्ट टर्म हमारा है एक्सपेरिमेंट। तो कह रहा है एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जैसे हम सिक्के उछाले, तो वहाँ पर क्या है, आउटकम आ सकते हैं, वेल डिफाइंड आउटकम्स। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड। जैसे हमने सिक्के उछाला, हमारे उछाला और बाली पे उछाल दिया, किस पे उछाल दिया, बाली पे। अगर बाली पे जाएगा तो क्या होगा, वो कॉइन ऐसे हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या आउटकम आ सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट वो कहलाता है कि ऐसा ऑपरेशन जिसमें हमें वेल डिफाइंड, क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड।
या तो हेड आए या तो टेल आए, ऐसा नहीं कि हेड टेल में सीधा वो आगे गिर जाए, नहीं ऐसा आके वो नहीं हो जाना चाहिए, नहीं वहाँ पे आउटकम आना चाहिए, उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हमें पता है कि आउटकम क्या क्या आएंगे, लेकिन हम ये श्योर नहीं है कि आउटकम क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिक्के उछालते हैं तो मुझे पता है उसका हेड आएगा तो टेल आएगा, लेकिन ये श्योर है कि हेड ही आएगा, ये श्योर नहीं है, या तो टेल भी आ सकता है या तो हेड भी आ सकता है, तो उसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं इसको, जैसे हमको पता है एक प्लेइंग कार्ड में 52 प्लेइंग कार्ड में कार्ड सभी पता है, और उसमें से एक कार्ड को हम ड्रॉ करेंगे तो क्या श्योर है कि वहाँ पे इक्का ही आएगा या किंग आएगा, वहाँ पे श्योर नहीं है। या हम दो सिक्के उछाले तो क्या वहाँ पे श्योर है हमेशा दो हेड ही आएगा, वहाँ पे श्योर नहीं, लेकिन हमें आउटकम पता है कि आउटकम क्या क्या आएगा, तो डैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। जहाँ पे हमें सभी आउटकम पता है, जितने भी पॉसिबल आउटकम है वो मुझे पता है, लेकिन ये नहीं पता है श्योर है कि कौन सा आउटकम आएगा, तो वही लिखा हुआ है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एंड एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, मतलब जो आना चाहिए वो हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसे आपको एक प्लेइंग कार्ड से हमने बोला एक कार्ड को ड्रॉ कीजिए, तो क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका वो किंग आएगा, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट आपको हमने बता दिया इवेंट का, बता दिया था क्या कलेक्शन ऑफ सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। जैसे एक सिक्के दो सिक्के उछाला, तो दो सिक्के को उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है आउटकम, हेड हेड आएगा या तो टेल टेल आएगा, या तो हेड टेल आएगा या तो टेल हेड आएगा, तो ये हमारे क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो एक उसका जो कलेक्शन आएगा उसे कहते हैं इवेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा लास्ट टर्म है इक्वल लाइकली इवेंट। इक्वल लाइकली इवेंट का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे मान लो जैसे हमने सिक्के उछाला, ठीक है, तो सिक्के को उछालना टॉसिंग ए कॉइन एक कहलाता है इक्वल लाइकली इवेंट। क्या कहलाता है हमारा इक्वल लाइकली इवेंट, क्यों, क्योंकि चाहे आपका चांसेस चाहे हमारा चांसेस दोनों का सेम है, चांसेस क्या दोनों के लिए सेम। जैसे आप आपको पूछो हेड का चांसेस कितना है, तो 1/2 है, हेड उसमें एक है, और संख्या कितना मतलब हेड और टेल में दो है, तो 1/2, और टेल का चांसेस कितना है 1/2 है, तो दोनों का चांसेस क्या है सेम है ना, इसे कहते हैं इक्वल लाइकली इवेंट। क्या कहें इसको इक्वल लाइकली इवेंट, जहाँ पर चांसेस दोनों के लिए क्या हो सेम हो, इसलिए कहा जाता है इक्वल लाइकली इवेंट जो है एक फेयर डील है। क्या है एक फेयर डील भाई, इक्वल लाइकली इवेंट इज ए फेयर डील, या टॉसिंग कॉइन इज ए फेयर डील, क्योंकि टॉसिंग कॉइन एक फेयर डील इसलिए है क्योंकि दोनों टीम के चांसेस क्या होती है 50-50% है, दोनों टीम के चांसेस क्या है 50-50% होता है, इसी के लिए क्या कहलाता है इक्वल लाइकली इवेंट कहलाता है। यहाँ पर डिफाइन कर लिखा हुआ है, कह रहा है ए गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वल लाइकली इवेंट्स इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन प्रेफरेंस टू द अदर्स। ठीक है, मतलब क्या हम लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि दूसरे के लिए क्या आएगा या हमारे लिए क्या आएगा। ठीक है, मतलब कह रहा है ये गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स, हमें एक गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स है जिससे हम लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि दूसरे के लिए क्या आएगा हमारे लिए क्या आएगा, मतलब वहाँ पर श्योर नहीं है, लेकिन दोनों की टीम का चांसेस क्या है सेम है। ठीक है, 50-50 चांसेस है, दैट इज कॉल्ड इक्वल लाइकली इवेंट। तो सारे टर्म समझ गए, ये सब था। अब हम जानते हैं कुछ टाइप्स ऑफ इवेंट जानते हैं, तो बेसिक डिफाइन टर्म्स सब था, अब हम जानते हैं क्या टाइप्स ऑफ इवेंट जानते हैं। जैसे देखो देखिए फर्स्ट क्या हमारा टाइप्स ऑफ इवेंट में, टाइप्स ऑफ इवेंट्स पहला है श्योर इवेंट। क्या है श्योर इवेंट, श्योर इवेंट का मतलब हो गया जैसे मान लो एक बैग है, उस बैग में 3 रेड बॉल्स है, कितने बॉल हैं 3 रेड बॉल्स है। ठीक है, आपसे हम पूछे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, बाई टोटल आउटकम। अब सिंपल बात बताओ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात कब करते हैं, जहाँ पे हम लोग अनश्योर होते हैं, क्या होते हैं अनश्योर, लेकिन इस बैग में
रेड बॉल ही है, कितने रेड बॉल है, 3 रेड बॉल है, तो यहाँ पे किसी तरह का अनसर्टेनिटी है क्या? नहीं है, हमें पता है यहाँ पे कोई भी बॉल को ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या आएगा, रेड बॉल ही आएगा। तो नंबर ऑफ रेड बॉल होते, कितने रेड बॉल आ सकते हैं यहाँ से, तीन रेड बॉल है, और टोटल कितना है, तीन, तो इसे कहेंगे श्योर इवेंट, मतलब 3/3, तो 3/3 करके कितना जाएगा, 1। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, याद रखोगे, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट कितना होता है, 1 होता है, याद रहेगा, ठीक है। ये आप अलग टाइप का इवेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक डाई को रोल किया, डाई समझते हो ना, एक होता है डाई और एक से ज़्यादा होता है, इसे कहते हैं डाइस, ठीक है, डाई सिंगल के लिए डाई जो होता है ना, जो हम लूडो खेलते हैं, लूडो गेम, उससे जो होता है उसे कहते हैं डाई, और एक से अधिक के लिए डाइस कहेंगे, ठीक है, दो के लिए डाइस, एक के लिए डाई। अब डाई को रोल करे तो उसमें नंबर क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब ये इसके पॉसिबल आउटकम्स हो गए, इसे क्या हो गए, पॉसिबल आउटकम। अब सबने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 7, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 7, इसमें 7 कहीं आ रहा है क्या, नहीं, तो क्या कहलाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब क्या, इसमें इस इवेंट में 7 आने का चांसेस ही नहीं है, संभव ही नहीं है, तो ऐसे कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या जाएगा, 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इक्वल टू 0, इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख जाएगा, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है, आपको ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, इक्वल लाइकली इवेंट, इक्वल लाइकली इवेंट, अभी जस्ट आपको इवेंट बताया था इक्वल लाइकली इवेंट का, नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ होगी, कितना होगा, हाफ, 1/2 होगा। जैसे टॉसिंग है कॉइन, टॉसिंग है कॉइन, उसमें क्या आएगा, या तो हेड आएगा, तो क्या आएगा, टेल आएगा, तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी, 1/2, और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसलिए से कहते हैं इक्वल लाइकली इवेंट, क्योंकि दोनों का चांसेस 50-50% है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कहलाता है फोर्थ नंबर, पुअर लाइकली इवेंट, पुअर लाइकली इवेंट, ठीक है। पुअर लाइकली इवेंट का मतलब हो गया जहां पे किसी के इवेंट के होने के चांसेस बहुत ही कम हो, जैसे मान लो एक स्ट्रॉन्ग टीम और एक वीक टीम, तो वीक टीम की जीतने की चांसेस क्या होगी, कम होगी, जीतने के चांसेस, जब मैच शुरू होने से पहले की बात कर रहे हैं, मैच खत्म होने के बाद की नहीं बात कर रहे, मैच शुरू होने से पहले की बात कर रहे हैं, कि इस टीम का चांसेस क्या है, मान लो 2%, 1% या 10%, और अगली टीम का चांसेस 90% या उससे ज़्यादा हो सकता है, तो उसे कहते हैं क्या, पुअर लाइकली इवेंट, मतलब इस टीम के जीतने के चांसेस बहुत ही कम है, तो उस केस में इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगा, 0 से ऊपर होगा, 0 से, क्योंकि इम्पॉसिबल तो नहीं है उस टीम के लिए हराना। ऐसा बहुत सारा मैच है जहाँ पे बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, जहाँ पे लोग विश्वास नहीं करते हैं। एक ऐसा मैच हुआ था वर्ल्ड कप में जहाँ पे श्रीलंका पूरी तरह से हार चुका था, लेकिन श्रीलंका क्या किया, इंग्लैंड को हरा दिया, इंग्लैंड सारा मैच जीता जा रहा था, जबकि श्रीलंका स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उस टाइम में श्रीलंका लगा था बहुत सारे विकेट गिर गए थे, ऐसा लगा श्रीलंका हार जाएगा, उस टाइम में था इंग्लैंड का 96% जीतने का चांसेस और श्रीलंका का था 4% जब मैच चल रहा था, ठीक है। और उसके बाद ये पूरी तरह सिस्टम क्या हुआ, चेंज हो गया सिस्टम, अभी बहुत सिस्टम चल रहा, तो सिस्टम चेंज हो गया, और सिस्टम चेंज होते होते क्या हो गया, श्रीलंका जीत गया, ठीक है। तो यहाँ पर चांसेस क्या है इसका, कम था, इसका कहेंगे पुअर लाइकली इवेंट, मतलब ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर ये इम्पॉसिबल नहीं है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगा, 0 से ऊपर होगा, हाफ से कम होगा, हाफ से कम, क्योंकि उसके बीच में ना होना चाहिए। इसके बाद इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी पुअर लाइकली इवेंट का, ठीक है, वो 0 से बड़ा होगा लेकिन लेस देन क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है, 0 से बड़ा होगा लेकिन हाफ से कम होगा।
और लास्ट हो जाएगा वेरी लाइकली इवेंट, वेरी लाइकली इवेंट। इसका बात समझिएगा हो गया, जिसका क्या होगा वन से कम होगा हाफ से अधिक होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लीजिएगा, इसका तो हो जाएगा यही प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट जीरो से बड़ा, एक मिनट, जीरो से बड़ा लेकिन हाफ से कम। इसका केस क्या हो जाएगा, इसका हाफ से बड़ा लेकिन वन से छोटा, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ चेक करो, अगर हमको किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी लिखना हो, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी लिखना हो नहीं, तो उसको हम लोग एक सिंगल सा चीज़ में लिख सकते हो, कैसे, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका लाइक करता है जीरो लेस देन इक्वल टू वन। मतलब क्या हो गया, इस केस को याद रखिएगा, इस पूरे केस को, ये जो पांच केस हमारा है वो पूरा इसी में समराइज हो गया। देखो कैसे यहाँ क्या लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कहाँ से आ रहा है, जीरो से लेके कहाँ तक गया, वन तक ही गया है, जीरो से लेके, ये तो मान लो ये तो हाफ और वन के बीच में है, ये जीरो और वन के बीच में है, और ये हाफ है, ये जीरो और ये वन है। तो कितना केस है, जीरो से लेके कहाँ तक है, वन तक। मतलब क्या, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जीरो आ सकता है, क्या सकता है, जीरो, या जीरो से बड़ा, या तो जीरो से बड़ा, और यहाँ बता रहा या वन के इक्वल होता है या वन से कम। समझ में आया, तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का होता है जीरो से लेके वन के बीच लाइक करता है इंक्लूडिंग जीरो एंड वन। इतनी बात समझ गए। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जानते हो क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर मतलब क्या, संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो आउटकम जो हम पूछ रहे हैं, जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसकी संख्या, अब बाय टोटल आउटकम उसके आने की संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपसे एग्जांपल पूछे, जैसे मान लो एक बैग है, एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल है, ठीक है, 2 ब्लू बॉल है, ठीक है, और 5 वाइट बॉल है। आपसे पूछे रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ऑफ गेटिंग रेड, या लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, आप ऐसे लिख सकते हो गेटिंग रेड बॉल। तो आप प्रोबेबिलिटी निकालो रेड बॉल का, निकाल रहे हो तो रेड बॉल की संख्या कितनी है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कितना है, 3 है, और बैग में टोटल बॉल कितने हैं, 5 + 2 = 7, 7 + 3 कितना जाएगा, 10, तो 0.3। और किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा या तो जीरो होगा, जीरो या वन, या इंक्लूडिंग जीरो एंड वन, वन से ऊपर नहीं होगा, जीरो से नीचे नहीं जाएगा। और किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होता है, जीरो और वन के बीच में होगा, इंक्लूडिंग जीरो एंड वन। क्लियर यहाँ तक है। अब हम लोग जब डिस्कस करते हैं, ये तो हमारा टाइप्स ऑफ इवेंट हो गया, अब हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे, जैसे टॉसिंग ए क्वाइन है ना, टॉसिंग टू क्वाइंस, उसको आप डिस्कस करते हैं, जितने भी जो आपके एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं उस सबको हम डिस्कस करें, उसके कितने आउटकम आ सकते हैं, ठीक है। जैसे टॉसिंग ए क्वाइन, तो उसके आउटकम क्या क्या आएंगे, हेड एंड टेल, ठीक है। उसके बाद लिखेगा टॉसिंग, टॉसिंग टू क्वाइंस साइमल्टेनियसली, हाँ एक साथ, इसमें देख लिखेगा, ठीक है। अगर दो क्वाइन को एक साथ टॉस करेंगे नहीं, या आपको बुक में ऐसे लिख देगा टॉसिंग क्वाइंस एट वंस, टॉसिंग टू क्वाइंस एट ए वंस, ठीक है, एक साथ एक बार दो क्वाइंस को टॉस किया गया। तो देखो दो क्वाइंस को हम लोग टॉस करेंगे तो या तो क्या आएगा, हेडेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा। इसको आप सेम मत समझना, सेम क्यों नहीं समझ रहे हैं, टेल आया उसके बाद, टेल आया उसके बाद हेड आया, ठीक है। तो ये हमारे क्या डिफरेंट आउटकम्स हो गए, तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 4 हो गए, दिस आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग टू कॉइंस। नाउ नेक्स्ट क्या हमारा, टॉसिंग 3 कॉइंस साइमल्टेनियसली, टॉसिंग 3 कॉइंस साइमल्टेनियसली, अब बताओ क्या क्या आ जाएगा, आप सोचिए, सिंपल बात है, आप सबसे पहले इमेजिन कर लो कि अगर 3 कॉइन को एक साथ हम लोग टॉस कर रहे हैं तो उससे क्या आएंगे, हमें यहाँ पे लेकर ड्रॉ कर देखो, मान लिया हमने, मान लिया तीनों हेड आ गया, क्या आ गया, हेड आ गया, या तीनों क्या आ गया, टेल आ गया, इसको किसी को दिक्कत है ना है। अब क्या करेंगे, पीछे से चेंज करना स्टार्ट करेंगे, पीछे से चेंज करेंगे, तो देखो
हेड हेड और ये टेल। फिर देखो फर्स्ट को चेंज की, अब किसको चेंज करेंगे, सेकंड को, तो क्या जाएगा टेल, यहाँ पे हेड ही रहेगा। देखो चेंज सिर्फ करना, एक को चेंज करना है। हाँ उसके बाद फर्स्ट चेंज सेकंड चेंज, अब तो टेल हेड हेड, ठीक है। सिक्स सिमिलरली इधर आप चेंज कीजिए, इधर वो पहले को चेंज कीजिए, तो क्या जाएगा टेल टेल और ये हेड। फिर इसके बाद टेल हेड टेल, उसके बाद हेड टेल टेल, तो कितने आउटकम आ गए, चार, आठ आउटकम आ जाएंगे। तो अगर तीन कॉइंस को एक साथ हम लोग टॉस करेंगे तो इसके आउटकम टोटल एट्स, ठीक है। निगाह तरीका समझ के कैसे करना है, एक तरफ तीनों हेड एक तरफ तीनों टेल, और मैं क्या करना है स्टार्टिंग फ्रॉम वंस पीछे से चेंज कर चलना, पहले हेड को चेंज किया टेल में, फिर इसको चेंज किए टेल में, फिर इसको चेंज किए टेल में, ठीक है। इसी तरह हमें इसको हेड में, इसको हेड में और इसको भी हेड में, ठीक है यहाँ तक। अब चलते हैं हम लोग कुछ और देखते हैं एक्सपेरिमेंट्स को, मिटाते इसको। देखिए अब हमारा क्या है, रोलिंग है डाई, ठीक है। अगर डाई को रोल करेंगे तो क्या क्या आएगा, रोलिंग ए डाई। तो अभी जस्ट हम डिस्कस किए थे कि वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, यही आएगा। नेक्स्ट हमारा रोलिंग ए डाइस, रोलिंग ए डाइस, डाइस क्या समझ रहे हो ना, दो दो डाई को एक साथ अगर रोल करते हैं, देखो अगर एक साथ रोल करेंगे तो उसमें बहुत सारे आउटकम आ सकते हैं, उसके कितने आउटकम आएंगे, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आएंगे वो हमको लिखना है इसके अंदर, है ठीक है। देखो मेरे पास, मुझे पता है कि एक तो इसमें आया ही आएगा और एक और में ही आएगा, तो हमें क्या करना है, फिक्स करना है। पहले हमने क्या किया कि वन वन को फिक्स कर लेते हैं, एक को हमने फिक्स कर दिया, एक डाई का हमने फिक्स कर दिया कि उसमें वन आ रहा है, और सेकंड वाले क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो पहले क्या है, उसके बाद वन वन आएगा, फिर इसके बाद वन टू आएगा, उसके बाद वन थ्री आएगा, उसके बाद वन फोर आएगा, फिर वन फाइव आएगा, और उसके बाद वन सिक्स आएगा, ठीक है। अब वन को हमने फिक्स किया, अब किसको फिक्स करेंगे, बस बन जाए उस तरह से, तो टू वन कर लो इसको, टू टू कर लो, फिर टू थ्री, हाँ टू फोर, टू फाइव एंड टू सिक्स, लिख लेते हैं क्या, क्या आप लिख लोगे पूरा, चलो हम लिखते हैं, आप लोग लिखते जाइए। तो फिर थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव और ये थ्री सिक्स, ठीक। ऐसी तरह हमारा हो जाएगा फोर वन, लिख लो अभी, इसमें सवाल पूछ रहा आपको, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, इस पर हम सवाल डिस्कस करेंगे। फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव और ये फोर सिक्स, उसके बाद इधर आ जाएगा फोर सेवन, सॉरी फोर, सॉरी फाइव में आ जाएगा, यहाँ से फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, ये फाइव फोर, फाइव फाइव और ये सिक्स, फाइव सिक्स और लास्ट सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स फाइव और सिक्स सिक्स। आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें डबलेट, डबलेट समझते हो, जैसे वन वन डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बताओ कौन कौन सा डबलेट इसके अंदर है, वन वन है, टू टू है, थ्री थ्री है, फोर फोर है, फाइव फाइव है और सिक्स है, कितने हो गए छः, और टोटल आउटकम कितने हैं, थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स, गिन लो, एक दो तीन चार पाँच छः और एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स, मतलब सिक्स बाई थर्टी सिक्स, तो मतलब वन बाई सिक्स, क्लियर है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन से पूछ सकता है कि फाइव को छोड़ के, फाइव को छोड़ के, मतलब जिस डाई में फाइव आ रहा है उसको छोड़ के इसके टोटल आउटकम कितने आएंगे, फाइव को छोड़ के, हाँ उस सबको छोड़ के उसके टोटल आउटकम कितने आएंगे, तो फाइव वाले कौन कौन है, ये पूरा हट जाएगा, ठीक है, उसके बाद इसमें भी फाइव हट जाएगा, अब जिस जिसमें फाइव उसको आप नेगलेक्ट कर दो, ठीक है, आई बात समझें। तो
तो आप कैसे काउंट करना था देख लो, फाइव किस में आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ, एक दो तीन चार ये पाँच, एक यहाँ भी तो है, छः सात आठ नौ दस, उसके बाद ग्यारह, तो 36 में 11 घटा दो कितना जाएगा 25, तो 25/36 ये जाएगा इसकी प्रॉबिलिटी, ठीक है। या आपसे ये पूछ दे, उल्टा पूछ दे कि 5 आने की प्रॉबिलिटी कितनी है, एटलीस्ट 1/5 आने की प्रॉबिलिटी कितनी है, एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम 1/5, कम से कम हाँ एक से, हाँ एटलीस्ट का मतलब होता है कि एक से अधिक भी चलेगा या एक भी चलेगा, तो बताओ एक से एटलीस्ट 1/5 आने की प्रॉबिलिटी कितनी जाएगी, सिंपल अभी जस्ट काउंट की थी, 11 जाएगा 11/36। अच्छा यार ध्यान रखना ये जो वर्ड है एटलीस्ट, जैसे आपसे ने पूछा देखो हेड हेड है ठीक है, टेल टेल है, हेड टेल है और टेल हेड है, हमने पूछा एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रॉबिलिटी कितनी होगी, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रॉबिलिटी, एक हेड आने की प्रॉबिलिटी, तो इसमें तो 2 हेड आ रहा तो इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, तो कितने होगा टोटल, संख्या ना लेना हमको, तो 3/4, क्योंकि हेड 3 केस में आ रहा है, हेड कितने केस में आ रहा है, 3 केस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें, कह रहे हैं एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट तो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है ठीक है, लेकिन 1 से कम नहीं होना चाहिए, 1 से ज़्यादा ले सकते हैं, उसको भी काउंट करेंगे ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझ गया, तो बहुत सारा जो है हमने एक्सपेरिमेंट था हमने देख लिया, टॉसिंग ए कॉइन का, टॉसिंग 2 कॉइन्स का, टॉसिंग 3 कॉइन्स का, फिर डाई का देखा और फिर रोलिंग ए डाइस का देखा। अब हम डिस्कस करते हैं प्लेइंग कार्ड्स का ठीक है। चलो चेता हम जानते हैं प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, सब जानते हैं कि प्लेइंग कार्ड्स में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, उसके चार कैटेगरी होते हैं, पहला क्या हमारा स्पेड्स, सेकंड क्या है क्लब्स, हार्ट और ये डायमंड। अच्छा जो शेप देख रहे हो इसके शेप के आधार पर नाम दिया गया है, इसे कहते हैं स्पेड्स ठीक है, इसे कहते हैं क्लब्स, इसे कहते हैं हार्ट, इसे कहते हैं डायमंड। अच्छा ये काला पान हो गया, ये काला पान, ये चिड़ैया, ये लाल पान और ये ठिकरी ठीक है, इक्का ये है बता रहे बाबू, इक्का ये है, इक्का ये है, इक्का ये है ठीक है। हाँ चलो देखो, अब देखो इसी कार्ड को हम लोग चार कैटेगरी में देखिए, इसको क्या हम लोग कहेंगे, आप देखो ये है ना काला पान है, ये मतलब काला पान का मतलब हो गया स्पेड्स, ये क्या हो गया हमारा स्पेड्स, तो ये जो स्पेड्स है टोटल इसके कार्ड कितने होते हैं 13 होते हैं, 13 का मतलब हो गया कि आप अगर देखो इसके अंदर तो इस तरह का 13 कार्ड होते हुए ध्यान से देखना आप लोग, सब में यही कार्ड होगा ठीक है, सब में क्या होगा यही कार्ड होगा, जैसे 10 इसमें 9 ठीक है, उसके बाद 8 देखिए 8 है ना 8, उसके बाद 7 ठीक है, इसमें 7 मतलब हो गया 7, 8, 9, 10 मतलब 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके कहाँ तक है देखिए 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 मतलब मेरे पास ये सभी कार्ड हो गए, तो कितने कार्ड हो गए ये वाले, अभी ये हो गए कितने देखो 2 से लेके कितने तक है 2 भी है, कार्ड सब दिख रहा है, चले सभी कार्ड दिख रहा आपको ना, कार सभी दिख रहा है। अच्छा अब इसमें एक का जोड़ दो, देखो देखो 1, 2 हो गया क्या 1, उसके बाद ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसको मान लेंगे, उसके बाद जैक क्वीन और किंग, ये 3 कार्ड हो गए देखो, जैक किंग क्वीन तो ये हो गए, ये कितने तक 10 कार्ड, 21 लेके 10 तक है 10 और 10, 3, 13 ये जो 3 कार्ड देख रहे हो, नहीं ये 3 कार्ड सभी में है, ये 3 कार्ड क्या है इसे कहते हैं पिक्चर कार्ड या फेस कार्ड, क्या बोलेंगे हाँ पिक्चर कार्ड या फेस कार्ड। अब चारों में क्या होगा कि चारों में बस शेप अलग होगा, शेप क्या होगा जैसे मान लो अगर ये आपका हार्ट है तो सभी अगला क्या होगा क्लब, उसमें भी यही शेप होगा, लेकिन तेरे कार्ड ऐसे ही होंगे, स्पेड में ऐसे तेरे कार्ड होंगे, शेप ऐसा होगा और
डायमंड का भी शेप ऐसा है, उसके भी 13 कार्ड ही होंगे, मतलब जो 13 कार्ड है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है। अब ध्यान से देखो, आपके पास 13 कार्ड में, ठीक है, इस 13 कार्ड में दो कार्ड रेड कार्ड होते हैं। दो कार्ड क्या होते हैं? एक हमारा हो गया ये वाला हार्ट और ये डायमंड, इसलिए हमने इसको रेड में ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये भी 13 और ये भी 13, तो 13 कितना जाएंगे? 26। तो इसको कहेंगे हम रेड कार्ड कहेंगे। ये तो हो गया उसके कैटेगरी के आधार पर नाम है, और ये है कलर के आधार पे, किस आधार पे? तो देखो ये और ये हमारा क्या है? रेड कार्ड है। इधर क्या कार्ड हमारा? रेड कार्ड है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? हर्ट। और ये हमारा क्या हो गया? डायमंड, ठीक है। तो इसके भी 13, इसके भी 13, तो 13 26, ठीक। इसी तरह हमारा ये दोनों क्या हमारा है? देखो ये दोनों हमारा क्या है? ब्लैक कार्ड्स है। ये हमारे दोनों क्या है? ब्लैक कार्ड। ये क्या हमारा? स्पेड्स है। और ये हमारा क्या है? क्लब है। तो क्लब और स्पेड्स मिलकर कितना हो गए? 26। इसे कहेंगे ब्लैक कार्ड। तो एक हो गया कैटेगरी के आधार पर 13 है, और कलर के आधार पर कितना है? 26 है। तो ये हो गया 13 कार्ड। अच्छा, उसके बाद हमने बताया पिक्चर कार्ड, क्या बताया था? या फेस कार्ड, पिक्चर कार्ड या फेस कार्ड। तो फेस कार्ड जो है सभी कैटेगरी के अंदर, इसमें भी क्या होगा? जैक, किंग और क्वीन होगा। जैक, किंग और क्वीन, जैक, क्वीन और किंग, ठीक है। इसे कहते हैं फेस कार्ड कहते हैं। तो इसमें भी फेस कार्ड होगा 3, इसमें भी फेस कार्ड 3 है, इसमें भी फेस कार्ड 3 है, इसमें भी फेस कार्ड 3 है। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12 फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड लिख लीजिएगा, टोटल फेस कार्ड, ठीक है, 12। अब ब्लैक फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 6। ब्लैक फेस कार्ड लिख लीजिएगा, ब्लैक फेस कार्ड 6, हाँ, ब्लैक फेस कार्ड। ये कितने जाएंगे? 6। और रेड फेस कार्ड, हाँ, वो भी 6, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? अब सवाल क्या आएगा जो सबसे पूछेगा, व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड? तो फेस कार्ड कितना है टोटल कार्ड में? 12। तो 12/52, ठीक है। अच्छा, ऐसे पूछे व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक फेस कार्ड? 52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, नहीं नहीं नहीं, एक कार्ड के नाम पूछा सब, वो टोटल कार्ड तो 52 ही होगा, ठीक है। जब कार्ड में कुछ रिमूव किया जाए तब हम उस कार्ड को रिमूव माइनस करेंगे। अब से पूछे व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड ऑफ स्पेड? 3/3 ना, स्पेड में फेस कार्ड 3 ही ना होगा, 3/52 टोटल कार्ड्स में लेके चलेंगे, 3/52। जब हमसे पूछा कि व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड ऑफ स्पेड, तो ऐसा थोड़ी कि प्लेइंग कार्ड में स्पेड ही होगा, प्लेइंग कार्ड तो चारों ना होगा, ये चारों होंगे, तो उसका संख्या तो 52 ही है, लेकिन इस स्पेड कार्ड का जो फेस कार्ड केवल कितना है? 3 ही है, क्लियर है। अच्छा, व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक फेस कार्ड एंड हार्ट फेस कार्ड? एंड हार्ट 9/52। इसका ब्लैक कार्ड 6 ही ना है, इसका 3 है, ठीक है, ठीक है। अब तुमसे सवाल ऐसा पूछा जा रहा है, इसमें पूछेगा आपसे कि इसमें से हमने किंग को रिमूव कर दिया, ठीक है, हाँ, पूरे में से किंग को, हाँ, किंग को रिमूव कर दिया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड आफ्टर द किंग इज रिमूव फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स? किसको हटाया गया? किसको हटाया गया? किंग। तो किंग की संख्या कितनी है? एक है, चार। तो 52 में से घटाओ, रिमेनिंग कार्ड कितना बच गया? तो मैं निकाले रिमेनिंग कार्ड, निकालेंगे क्या निकालेंगे? रिमेनिंग कार्ड। अब मुझे क्या निकालना? फेस कार्ड का निकालना प्रोबेबिलिटी। तो फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? 12। 12 में से किंग घटा दो, चार, मतलब 12 में 4 का कितना? 8। मतलब टोटल फेस कार्ड कितना है? 12 है, जिसमें से किंग कितना हटा? 4। तो 12-4 8। तो रिमेनिंग फेस कार्ड कितने? 8 है, और रिमेनिंग कार्ड कितने हैं? 48 है, तो 8/48। अब ऐसे पूछेगा कि हमने ब्लैक कार्ड को रिमूव कर दिया, सेकंड क्वेश्चन, ब्लैक कार्ड को, ब्लैक फेस कार्ड को रिमूव कर दिया, ब्लैक फेस कार्ड को, तो व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड फेस कार्ड?
किसको रिमूव किया गया? 250 होगा। रिमूव किसको किया गया? तो ब्लैक फिश का आज की संख्या कितनी है? 6 है ना, तो 52 में से 6 घटाएंगे कितना जाएगा? 46। रिमेनिंग का कितना बचा? 46। अब उसमें इसकी संख्या कितनी है? 6 है, तो 6/46। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाँ पर रेवेन्यू कार्ड पूछा जाएगा वहाँ से आपको क्वेश्चन बनाना। तो कल के क्लास हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस। जितना आज जो कंसेप्ट हमने बता दिया इस पर आप क्वेश्चन जाकर प्रैक्टिस करोगे, जो बनेगा ठीक है, जो नहीं बने आप आराम से पूछ लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।